अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। बेटा आपसे इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर के बारे में कहा है, परिमेय संख्या के बारे में कहा है। तो बेटा रैशनल नंबर मैंने माना x या x अपॉन 1, एक ही बात है, रैशनल नंबर माना मैंने x। अब आपसे कहा है इस रैशनल नंबर में आप पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये जो आएगा बेटा इसमें 2/3 ऐड भी कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, रैशनल नंबर में पाई अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये जो आएगा बेटा इसमें 2/3 को ऐड वो भी कर दिया। तो उन्होंने कहा ये जो रिजल्ट बनेगा वह -7/12 होगा, मतलब इक्वल टू -7/12 कर दिया। आपसे पूछा है ये रैशनल नंबर क्या होगा, मतलब x आपको बताना है। तो ये बेटा x इंटू पाई अपॉन 2, ये -7/12, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया। ठीक है, ये x इंटू पाई अपॉन 2, ये -7/12, ये -2/3, सब कुछ वैसे ही लिखा है। अब बच्चों इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है 12/3 का एलसीएम लेना, दूसरा तरीका है दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लो। तो हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ 12 है तो बेटा यहाँ 12 बना लो। कैसे बनेगा, ऊपर नीचे बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 12 बन गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, x इंटू पाई अपॉन 2, ये -7/12, ये -8/12, ये बेटा x इंटू पाई अपॉन 2। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, जब भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो बेटा एलसीएम वही नंबर आता है, मतलब 12 आया, तो अपॉन में 12 आ गया। और बच्चों जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर लिखे हुए नंबर साइन के साथ वैसे ही आता, मतलब -7 -8 वैसे ही आ जाए। ठीक है, ये x इंटू पाई अपॉन 2, ये अपॉन में 12, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, तो 7 और 8 हो गए 15। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 8 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो, ये हो गया सॉल्व। अब बेटा इसे सिंपलेस्ट बनाते हैं, 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, 3 5 15, 3 4 12। ठीक है, ये x इंटू पाई अपॉन 2 इक्वल टू -5/4। अब बच्चों हमें x चाहिए तो बेटा ये पाई अपॉन 2 हटना चाहिए। अब बेटा ध्यान देना, ये -5/4, ये बेटा 2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में चला। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ गया डिवाइड में चला। अब इसे सिंपलेस्ट बना लो, 5 1 5 5 1 5, 2 1 2 2 2 4, कितना बचा बच्चों, ये हो गया -1/2। इस तरह से बच्चों आपसे पूछी गई परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होगा, -1/2।